मैं सिमोन सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस में। हमारे चैनल की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन दें, और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज फिर आ गई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसमें एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है, ऐसे कौन से टॉप कॉलेजेस है जिसमें आप एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, और ऐसे कौन सी टॉप कंपनीज हैं जो आपको हायर कर सकती है, और लास्ट में कि क्या इसका सेल रिटेंड होगा। तो आइए देखते हैं। इन्फॉर्मेशन को पूरा जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बीटेक टेक्नोलॉजी इज अ साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग एंड इट्स प्रोडक्ट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट सच एज मिल्क एंड आइसक्रीम बाय यूजिंग द साइंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री बैक्टीरियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। आइए बात करते हैं कोर्स हाईलाइट। कोर्स लेवल ग्रेजुएशन, ड्यूरेशन 4 ईयर, एग्जामिनेशन टाइप डिग्री, एलिजिबिलिटी 10+2 स्पेशली इन साइंस स्ट्रीम, एडमिशन प्रोसेस बेस्ड ऑन एंट्रेंस, एवरेज ट्यूशन फी INR 2 lakh to 12 lakh अप्रॉक्स, एवरेज सैलरी 15,000 INR to 65,000 INR अप्रॉक्स, जॉब प्रोफाइल डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डेयरी न्यूट्रिशनिस्ट, डेयरी साइंटिस्ट, डेयरी मैनेजर एक्सेट्रा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी करने के लिए क्या रिक्वायर्ड स्किल सेट्स होने चाहिए। मैनेजमेंट स्किल, टेक्निकल स्किल, कमिटमेंट टू द इंडस्ट्री, हार्ड वर्किंग, साइंटिफिक नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एफिशिएंट। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। आइए, नेम ऑफ द कॉलेज, सिटी, अप्रोक्स टोटल फी। IIT खड़गपुर, सिटी खड़गपुर, INR 10.5 lakh। पारुल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, INR 3.4 lakh। अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, INR 3 lakh। मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान, INR 6.80 lakh। आनंद यूनिवर्सिटी आनंद, INR 1.10 lakh। आइए मैं आपको बताती हूँ कि बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या। फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ मिल्क, इंजीनियरिंग ड्राइंग, फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक एनालिस, इस टेक्नोलॉजी, मिल्क प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, डेयरी डेवलपमेंट ऑपरेशन रिसर्च, कंडेंस्ड एंड ड्राइड मिल्क, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ऑपरेशन रिसर्च, जजिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कौन से एम्प्लॉयमेंट एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। डेयरी साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, डेयरी क्वालिटी ऑफिसर, डेयरी इक्विपमेंट रिपेयरर, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड टेस्टिंग ऑफ डेयरी इक्विपमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड मैकेनिकल स्किल्स, डायग्नोज। वहीं अगर बात करें पब्लिक सेक्टर की, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज हैं जो आपको हायर कर सकती है। अमूल, मदर डेयरी, नेस्ले, हैज, हैप, हेरिटेज, जर्सी, ITC, पराग एंड मैनीमो। अब इस कोर्स को करने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी वो भी आपको बता देते हैं। हम बात करेंगे 3 लेवल की सैलरी, एंट्री लेवल सैलरी, मीडियम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी। डेयरी साइंटिस्ट एंट्री लेवल सैलरी 1.8 लाख पर एनम, मीडियम लेवल सैलरी 2.6 लाख पर एनम, मैक्सिमम सैलरी 3.7 लाख पर एनम। लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर एंट्री लेवल सैलरी 1.5 लाख पर एनम, मीडियम सैलरी 2 लाख पर एनम, मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख पर एनम। ब्रांड मैनेजर एंट्री लेवल सैलरी 3.2 लाख पर एनम, मीडियम सैलरी 3.7 लाख पर एनम, मैक्सिमम सैलरी 4.2 लाख पर एनम। फाइनेंशियली कंट्रोलर एंट्री लेवल सैलरी 2.7 लाख पर एनम, मीडियम लेवल सैलरी 3.4 लाख पर एनम, मैक्सिमम लेवल सैलरी 4 लाख पर एनम। डेयरी डिजाइन इंजीनियर लेवल सैलरी 1.7 लाख पर एनम,
मीडियम लेवल सैलरी 2.7 लाख पर एनम, मैक्सिमम सैलरी 7.7 लाख पर एनम। अभी हमने जिस सैलरी ट्रेंड की बात की है, आइए उसको एक अच्छे से ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जब तक देखते रहिए हमारा चैनल ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस। थैंक यू।